प्रधानमंत्री शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से कटनी जिले के 1,62,878 किसानों के खाते में सम्मान निधि की 18वीं किश्त के तौर पर 32,57,56,000 रुपए भेजे हैं। कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि और हितग्राही किसानों ने महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण को देखा और सुना। जिले भर की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान NIC रूम में अपर कलेक्टर साधना परस्ते और नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सहित अन्य अधिकारी व किसानों को की उपस्थिति रही है। वहीं किसान सम्मान निधि राशि पाकर खुश नजर आए। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा महाराष्ट्र के जिला वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वें किस्त का ट्रांसफर किया गया है और ये कार्यक्रम हम जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, विकास खंड मुख्यालय पे और ग्राम पंचायत स्तर पे भी इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है और जिले में भी जो हमारे हितलाभ वाले जो किसान हैं उनको भी इसका लाभ मिला है। लगभग 1,46,000 किसानों को इसका लाभ आज प्रदान किया गया है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PM किसान राश पंजीकृत किसानों को जो सीधे राशि के अकाउंट में आएगी वो तो सम्मान निधि उनके पास पहुंचेगी। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, इस देश में रहने वाले सभी जन जन के बारे में जो सोचने का काम किया और लाभ की योजनाएं अंतिम छोर तक जो पहुँचाने का कार्य किया है उसके लिए निश्चित तौर पर हमारे देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के इस अवसर पर नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, मैं सभी को नवरात्रि पर भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार चौधरी मेरा नाम है, मैं ग्राम सैदा का रहने वाला किसान हूँ। मुझे किसान की सम्मान निधि किस्तें 18वीं किस्त मिलने जा रही है जिससे किसानों को बहुत बड़ी सुविधा है, हमको भी बहुत बड़ी सुविधा है ताकि खेत बीज का मैं परस्त हो जाता है। और मोदी जी से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो 2000 की किस्त सम्मान निधि की दी जा रही है उससे बढ़ा के दी जाए, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं।